ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। मैंने 19 तारीख को इसी 19 दिसंबर को मरण वर्त पर बैठा था कि यहाँ पर छठ नुमा कुछ भी हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस इसे बात पर अड़ी थी कि यहाँ से गऊों को निकाला जाए। कल सर मेरे को तहसीलदार साहब पुलिस फोर्स के साथ लेकर आ गए यहाँ पर कि आप अस्पताल में एडमिट कराना है, आपके अब बीमार हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाद में इन्होंने बल प्रयोग के साथ पुलिस के साथ साथ जहाँ पर 150 गायों को बाहर निकाल दिया, वहीं आसपास के लोगों पर, मेरे माता पिता पर भी अत्याचार किया गया। ये ज़मीन है जी, आबादी दे है जी, सारे मतलब आबादी दे है, और इसका कंट्रोल बहुत सालों से, तकरीबन 100 साल से ये मंदिर शिवाला के पास है जी। मतलब ये देख रेख करते सी, क्योंकि इतने त्रिवेणी जगह हैगी है, पूजा पाठ हुंदा त्रिवेणी दी, दरख्तों की पूजा होंगी है, इस करके कंट्रोल इन्हां कोले सीगा जी। एक गौशाला बनाई गई है यहाँ पे, एक जो कि जायज़ नहीं है, एक मंदिर की ज़मीन है यहाँ पे त्रिवेणी जिसको कहते हैं, और जिला प्रशासन इसके बारे में देख रहा था कि ये जो गौशाला है यहाँ पे गऊओं जो हैं, जो गायें हैं उनके साथ प्रॉपरली यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। कुछ मंदिर कमेटी ने भी इसके बारे में शिकायतें की थी। सो कुछ अरसे से जिला प्रशासन है इसके बारे में गौ रक्षा समितियों और उनके साथ बैठक कर रहा था। तो इसके बाद एक दफ्तरी हुक्म के बाद, जो कि SDM की तरफ से बरामद हुआ था, उन्होंने पुलिस असिस्टेंस मांगी थी, पुलिस असिस्ट करने के लिए गई थी। वहाँ पे एक तरह से बलवा किया और हुड़दंग मचाया, पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े उन्होंने, पथराव किया, तहसीलदार की गाड़ी को आग लगाई उन्होंने, उनके पास तलवारें थी, उनके पास पेट्रोल की भरी बोतलें थी, और ईंट और पत्थर उन्होंने जमा कर रखे थे अपने अपने घरों के ऊपर। इसमें मुख्य आरोपी रघुनाथ गौड़ हैं, ये बेसिकली यही मास्टरमाइंड रहा है इन चीज़ों का, के ऊपर हाँ पहले भी मामले दर्ज हैं, तो उनकी ऑलरेडी कुछ केस कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।